6 साल की थी तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। उसी टाइम मैंने सोचा कि ऐसे मैं घर के अंदर घुट घुट के जीऊंगी तो मैं शायद नहीं जी पाऊंगी। उसके बाद जब मैं 17 साल की थी तो मेरी शादी हो गई और शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसी सोच के साथ में मैंने कसीदाकारी का काम शुरू किया। मैंने उसी कढ़ाई को देख के मैंने कहा अब मैं बनाऊंगी इसका बैग। जो बहने अपने मायके जाती है अपने कपड़े भर के लेके जाती है वो बैग बनाना शुरू करूंगी। वो सुई और धागे से मैंने काम तो शुरू कर दिया था लेकिन उसकी जो स्टिचिंग सिलाई होती थी वो मशीन से होगी तो वो मैं कैसे कर पाती क्योंकि मेरे पास ना तो मशीन थी और न ही मशीन खरीदने के लिए पैसे थे। तो मैंने हाथ से ही कुछ दिन काम किया और एक जब मैंने पहला बैग बनाया बहुत सुंदर बना और वो मेरा 70 रुपये में बिका था। वो 70 रुपये मेरे लिए बहुत ही मायने रखता था। पहले मैं अकेली थी मेरे पास में थोड़े बहुत पैसे आए फिर हम 1 से 10 हुए तो 10 के पास में काम आने लगा। लेकिन अब गांव में दूर दराज ढाणियों में बैठी बहनें पूरा दिन काम करती है लेकिन उसके पास में खुद के 2 रुपये भी नहीं होते। उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए उन बहनों को भी साथ में जोड़ना चाहिए लेकिन उनके घर तक पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर में उनके घर तक पहुंचना वो भी रेत के टिब्बों के बीच में पांव अंदर धस जाते थे। रुमा देवी वेंट ऑन टू ट्रेन 22,000 आर्टिसंस फ्रॉम 75 विलेजेस वर्किंग इन द थार रीजन ऑफ राजस्थान। She has been a promoter for handcrafted products made by tribal women. Ruma Devi's handcraft was displayed in local fashion shows. She also had the privilege of participating in Singapore Craft Fair as well as the prestigious London Fashion Week. Her artwork was appreciated in the British Patchwork and Quilting magazine.